प्रदेश के वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने शुक्रवार को केंद्रीय जू अथॉरिटी टीम के साथ चिड़ियाघर का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने बताया कि गोरखपुर चिड़ियाघर देश के टॉप 5 की गिनती में रहेगा, जिसका उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्रीय जू अथॉरिटी की टीम ने भी निरीक्षण किया है और उनकी देखरेख में सभी कार्यों को सही ढंग से पूरा करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चिड़ियाघर के खुलने को लेकर लोग उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि विदेश से जो लोग गोरखपुर टूरिज्म के लिए आते हैं, जो गोरखनाथ मंदिर, कुशीनगर, तारामंडल में घूमते हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका होगा। वह ज़रूर नौकायान और चिड़ियाघर घूमेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में गोरखपुर एक बहुत बड़े पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होगा। उन्होंने कहा कि यह चिड़ियाघर देश का सबसे खूबसूरत चिड़ियाघर होगा। उन्होंने बताया कि केंद्रीय टीम जल्द ही अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी और उम्मीद है कि जल्द ही चिड़ियाघर खोलने की तारीख को घोषित कर दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश के वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा, मछली दिखला जो भी हो, ट्रांसपेरेंट भी हो, नीचे अच्छी मछली, ऊपर मतलब सीसी का हो, ये पॉइंट कहीं मिलता है देखो आप लोग और क्या अच्छा हो सकता है। अच्छा, ये वाला जो ब्रिज है सर, हम पहले बहुत तरह से लखनऊ में अगल बगल जो है जैसे हमारे नहीं डी एफ ओ साहब का बड़ा सहयोग था सर उसमें, और इको टूरिज्म को लेकर हम लोग देखते हैं डी एफ ओ का भी इनसे कहाँ गया हमने सर, उन्हीं के सहयोग से बना भी सर वो उस हिसाब से हम लोग प्लान करते हैं, प्लान किया गया कि इस चिड़ियाघर गोरखपुर का एक तो देश में टॉप 5 पे मुझे लगता है या टॉप 1 कह लीजिए, ये चिड़ियाघर बनने जा रहा है और जल्द ही जो है माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा इसका शुभारंभ भी होगा। आज हमारी सीजेडी की टीम यहाँ आई थी, जो सेंट्रल जो अथॉरिटी के लोग हैं, क्योंकि जिनके मार्गनिर्देशन में, जिनके अप्रूवल के बाद जो हम तरीके से बाड़े कैसे बनने हैं, गेट कैसे बनना है, और जो
और भी सारे काम यहाँ होने हैं, उन्हीं सीजेडी के देखरेख में हो रहा है। हमारी पूरी फॉरेस्ट की टीम दिन रात लगी हुई है और माननीय मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जब से माननीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी है तब से इस चिड़ियाघर को बनाने के लिए कहीं पैसे की कमी नहीं आई और आगे भी कमी आने वाली नहीं है। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी इस गोरखपुर के चतुर्थिक विकास के लिए आए दिन कुछ को नया, जैसे चाहे फर्टिलाइजर का काम हो, चाहे आपने देखा एम्स का काम हो, चाहे जो गोरखनाथ से बरगदवाली रोड को चौड़ीकरण का काम हो, और जो इसमें चार चांद लगाएगा माननीय मुख्यमंत्री की पहले से सोच है, चूँकि उत्तर प्रदेश का ये महत्वपूर्ण जनपद गोरखपुर है जो कमिश्नरी है, यहाँ पे जो जू बन रहा है इसको इतने लोग देखना, अभी से लोगों के मन में जिज्ञासा है कि गोरखपुर का जू कब खुलेगा, कब हम देखें। और बहुत सारे इंटरनेशनल जो हमारे टूरिस्ट आते हैं, जो लुम्बिनी जाते हैं, कुशीनगर जाते हैं, जो लोग आएंगे एक बार जू को बिना देखे रह नहीं सकते हैं, इतना खूबसूरत जो बनने जा रहे हैं। तो कि तमाम तरह के जानवर यहाँ पे आएंगे, माननीय मुख्यमंत्री एक एक जानवर पे चर्चा करते कहाँ से लायन आएगा, कहाँ से टाइगर आएगा, कहाँ से जेब्रा आएगा, कहाँ से, हर जानवर के बारे में पूछते रहते हैं। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि देश का सबसे खूबसूरत ये जू बनने जा रहा है और जिस दिन उद्घाटन होगा माननीय मुख्यमंत्री से बात करने के बाद हम लोग तय करेंगे, वो डेट भी जल्दी ही आप लोगों के सामने अनाउंस कर दी जाएगी। चूँकि आज CJD की टीम आने के बाद इतना हो गया है कि जो अब जो है जल्दी खुल जाएगा।